गर्मियों का मौसम अपनी पीक पे चल रहा है और ऐसे में आपको ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो आपको हाइड्रेटेड रखें और आपकी बॉडी को भी तंदुरुस्त रखें। ऐसा ही एक खाना है गोंद कटीरा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे आप गोंद कटीरा को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। देखिए, गोंद कटीरा को ट्रागकंथ गम भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल गम है जो डिराइव होती है मिडल ईस्टर्न लिग्यूमिनियस प्लांट से और एक जेल लाइक सब्सटेंस है, और जब इसको पानी में आप भिगो के रखेंगे तो ये एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। ये इसलिए इतना फेमस है क्योंकि इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज बहुत है और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, यहाँ ये बहुत फायदेमंद रहता है और बहुत ही वाइडली यूज्ड है क्योंकि ये हीट और डिहाइड्रेशन को मारने में मदद करता है। इसके पास एबिलिटी है बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ साथ ये डाइजेशन में मदद करता है, पेट की बीमारियों को दूर करता है, एक रिफ्रेशिंग टेक्सचर देता है और आपको ठंडा रखता है। लेकिन इसे खाए कैसे? देखिए, सबसे पहले तो सिंपल गोंद कटीरा ड्रिंक आप बना सकते हैं। ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसमें सिर्फ आपको गोंद कटीरा को रात भर पानी में डुबो के रखना है और ये जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। सुबह उठ के इसे या तो ठंडे पानी में डाल लो या ठंडे दूध में डाल लो, साथ में थोड़ा शुगर, थोड़ा हनी और थोड़ा सा आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, जिस फ्लेवर का दूध पीना आपको पसंद है। और सुबह उठते ही इसको पियेंगे तो हाइड्रेट रहेंगे, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा और वाइटालिटी भी बढ़ेगी। साथ साथ आप गोंद कटीरा को कूलिंग लेमनेड में भी डाल सकते हैं। देखिए, एक लेमनेड प्रिपेयर कीजिए विद लेमन जूस, वाटर, शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट और उसमें प्री सोक्ड गोंद कटीरा डाल दीजिए और आपका लेमनेड और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है गोंद कटीरा का फालूदा खाना। देखिए, लोगों को फालूदा खाना वैसे ही बहुत पसंद है तो गोंद कटीरा को सारी रात पानी में डुबो के रखिए और सुबह एक लंबे ग्लास में जब आप फालूदा बनाएंगे तो बेसिल सीड्स के साथ साथ गोंद कटीरा भी उसमें डाल दीजिएगा और उसके अंदर ठंडा ठंडा दूध, थोड़ी सी आइसक्रीम और रोज सिरप से और नट से आप उसको भर देंगे तो वो एक लजीज डेजर्ट बन जाएगा। गोंद कटीरा को आप स्मूदीज और शेक्स में भी डाल सकते हैं। स्मूदीज और शेक्स में पहले से ही न्यूट्रिशन वैल्यू होती है एंड कूलिंग इफेक्ट भी होता है, बट आप उसमें गोंद कटीरा को डाल सकते हैं सारी रात भिगोने के बाद। इसके अलावा आप गोंद कटीरा को खा भी सकते हैं सैलड की तरह। देखिए, अपना सलाद तो आप बनाते ही होंगे जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स लाइक क्यूकुम्बर, टमेटोज, लेटस एंड अनियंस होते हैं। इसके ऊपर बस गोंद कटीरा के छोटे छोटे पर्ल्स डाल दीजिए और थोड़ी सी ड्रेसिंग का काम कर दीजिए। जेली की तरह होता है गोंद कटीरा तो वो आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग क्रिस्पी टेस्ट देगा जब आप वेजिटेबल खाओगे उसके ऊपर हल्की हल्की जेली, और वो आपको लू से भी बचाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग फूड इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए फूडी के साथ।